मैं सुबह सुबह शुरू हो जाती हूँ ताकि मेरा जल्दी से काम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं मसालों का पैकर बन के ना फिर रही हूँ, जल्दी से ले लूँ शावर। तो बना क्या रही हो भाई देवे? बना मुजीब खुद ही, तो कल आपने कहा था करेले खाने का दिल चाह रहा है, करेले बना रही हूँ और साथ बना रही हूँ जो बच्चे करेले नहीं खाते उनके लिए कोरमा। वाह, मतलब है एक मेरा फेवरेट और एक साथ का फेवरेट। तुम्हारा भी फेवरेट है भाई, आमना का भी फेवरेट है, गोश्त मेरे दोनों ही फेवरेट है। तो मैं मेरे वाले करेले में गोश्त तो नहीं डाल दिया? नहीं, मुझे करेले प्याज बन रही है। वाह, और कोरमा प्रॉपर कोरमा बन रहा है जिसके अंदर मैं बादाम की पेस्ट और वो सब कुछ डालूंगी, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक लेकिन फाइनल लुक से पहले मैं एक दफा अच्छा देखना चाहता हूँ जरा अब क्या लुक है। ये प्याज को पहले मैंने किया हुआ थोड़ा सा वो और करेले ठीक है, करेले जो मैं वो ये अभी नमक लगा के रखा हुआ ये फ्राई करके इसमें डालेंगे ठीक है। और यहाँ पर अभी कोरमा है, उसके लिए मैंने बादाम की पेस्ट बना ली हुई है और ये साथ है कोरमा एसेंस। ओके, फिर हम इसका फाइनल लुक जो है ना थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी फाइनल लुक। खुद भी मैंने अभी शावर लेना है और अपने खाने की फाइनल लुक। चलो ठीक है, ओके। और हाँ, सॉरी मुझे याद नहीं रहा, इसके बाद फिर मैंने सोचा है कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, तो मैं और आमना दे रहे हैं आपके क्वेश्चंस का आज आंसर। यूहू, बाय द वे जो इनके क्वेश्चंस होते हैं ना उसका जवाब देने का भी मजा आता है। यूहू पे खत्म करना है, यूहू यूहू। लोगों को हमारी वॉल्यूम से पता लग रहा है कि आज दीदी नहीं है घर पे, दीदी केयर सेंटर पे, और हम उसको भेज के अभी आपको बता रहे हैं कि उदास बैठे हुए हैं, क्योंकि वीडियोस देख रहे हैं, उसकी वीडियोस देख रहे हैं, उनके खाना पकाते हुए भी वो मैं खुद इडली पकाएगा और इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, वो भी है और सोचने की इतना सुकून लेकिन सुकून के पीछे बड़ी उदासी है। ओके, तो फिर अभी बनता तो फिर हम दिखाते हैं आपको अपने खाने के फाइनल लुक दिखाऊंगा। ओके, ये भी दही डालते हैं। क्या हाल है आप सबका? तो जनाब, आज हम आप ही के साथ बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि मेरे थोड़े से दिन रह गए थे और मैंने कहा ये ना हो कि कोई थोड़ी तिश्नगी रह जाए या कोई ऐसी चीज़ें रह जाएं जो आमना के साथ हमने गपशप ना लगाई हो, हालांकि उसका एग्जाम है एंड शी इज मतलब सो बिजी। मतलब मैं पता है अपने बच्चों को मैं बहुत सारा कुछ कहती हूँ, ये कर लो वो कर लो, लेकिन नॉट जब वो स्टडी कर रहे हैं। लेकिन खैर, मैंने ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट, हाँ, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं लिखे हुए थे तो उसका जनाब देते हैं आमना जवाब। और ये बता दें कि वी लव यू गाइज अ लॉट, कोई अगर आप नेगेटिव बात भी कहते हैं तो हम बुरा नहीं मनाते हैं, जीते रहें, खुश रहें, इसी तरह हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, आपकी वजह से ही हमारा चैनल है। और आप यकीन करें, मैं मरियम, बाबा, साद, आमना, वी लव यू गाइज अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर भी मैं जब बाहर निकलती हूँ कोई ना कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है, आप लोग भी हमें बहुत प्यार करते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं, पहला सवाल आमना अदीला शहजाद कह रही है, सवाल पूछ रहे हैं, मतलब अच्छा जनरल लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं सबके साथ,
ताकि एक ये हो जाए कि आमना के साथ कोई गपशप लगी। अदीला शहजाद कहती है जी सॉरी टू से जितने भी ब्लॉग्स यूएसए के अमेरिका के देखे हैं, ना कोई नमाज ना कुरान, बस मेकअप मेकअप मेकअप, शॉपिंग, डिनर, लंच। तो नमाज जो आप लोग हमारी व्लॉग देखते हैं वो दिन का कितना पार्ट होता है, 10-15 मिनट। हाँ, तो उसमें हम क्या कुछ डाल सकते हैं, उसमें हम वो चीजें डालते हैं जो हमें लगता है कि यू गाइस वुड बी इंटरेस्टेड इन सीइंग। और नमाज इज वन थिंग जो मेरे ख्याल में हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सारों को आती है बताने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि अगर मतलब किया जा सकता है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो यार हर कोई अपने अपने लिए पढ़ता है क्योंकि जवाबदेह सारा खुद ही है अपने अपने लिए आफ्टर लाइफ में अल्लाह के सामने। लेकिन अगर मोटिवेशन बढ़ती है, जैसे मैं अगर अपनी नमाज कायम करूँ, नमाज मैं पढ़ती नहीं हूँ, नमाज कायम करनी चाहिए जिसमें अल्लाह ताला के रूबरू हो जाना चाहिए, है ना, दिल से बड़ा मजा आता है उस नमाज का। अगर वो दिखाएं और आप लोगों को भी मोटिवेशन होती है तो वी आई विल ट्राई कि कभी कभी वो क्लिप भी मैं लगा दिया करूं। वैसे हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन मजा ज्यादा आता है, शॉपिंग बच्चियां देखती हैं, है ना, मेकअप, हाँ, कुकिंग, हाँ। अच्छा नेक्स्ट है जी, नोमा कहती है प्लीज शेयर द रेसिपी ऑफ बन समोसा, कुछ बता दो। बन ले, ये मैं बता दूं, नोमा कनाडा में रहती है। अच्छा, और समोसे जो है वो हम, वैसे तो मम्मा मैंने स्क्रैच से भी बनाए थे समोसे, बड़े आसान होते हैं, लेकिन हमने लिए थे देसी स्टोर से, पे जाएं आप और बड़े वाले जो होते हैं मिक्स वेजिटेबल या फिर आलू वाला समोसा, उसको एयर फ्रायर में करें रेडी और उसको बन को सेक के उसमें मक्खन और आइडियली तो ग्रीन चटनी, लेकिन हमने लगाया था केचप और मेयो और उसके अंदर बन समोसे को फ्लैट कर, मस्टर्ड मस्टर्ड भी डाला जा सकता है, देसी रखना है, तो ग्रीन चटनी और केचप आइडियल। किसी के पास एयर फ्रायर ना हो तो उसको फ्राई कर लें, बेक कर लें, वो तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, बीच में अनियन डाल दें, बीच में टमाटर डाल दें, ऑयल डालकर पैन में दम दे दें तो भी हो जाते हैं। अच्छा जी, जर्मीना शाह कहती है कि यू शुड विजिट ब्रेंसन लैंडिंग नॉट फार फ्रॉम स्प्रिंगफील्ड, ये कहा है ये आपने बताया? हम जहाँ गए थे क्रूज वाली, अगर आपने ब्लॉग देखा हो तो वो सेम जगह है, इट वॉजेंट एग्जैक्टली ब्रेंसन लैंडिंग, क्योंकि ब्रेंसन लैंडिंग आई थिंक एक स्पॉट है विच इज टूरिस्टी और उसके लिए लाइक व्यू के लिए, लेकिन वो था ब्रेंसन ही और वो उधर यूसी एरिया। और मैं आपको बताऊँ बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो यहाँ की जगह का कमाल ही ये है, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह के कुछ पहाड़ियाँ सी भी मिल जाती हैं, कुछ यहाँ पर वाटर का मामला भी है और प्लेन्स भी हैं, ग्रीनरी भी है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और बड़ी पुरअमन जगह है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी इर्तजा नोमी कहते हैं कि विच ऑयल यू आर यूजिंग फॉर कुकिंग एंड इज कॉर्न ऑयल गुड फॉर हेल्थ? कॉर्न ऑनेस्टली मेरा इसमें नॉलेज इतना नहीं है, द बेस्ट फॉर हेल्थ इज ऑलिव ऑयल, जो कि मैं जो यूज कर रही हूँ अपने ग्रीन सी बॉटल देखी होगी एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, उसमें हमारी कुकिंग जो देसी वाली है वो तो नहीं होती। कैनोला ऑयल, नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट मच आई नो, दैट इज जिसमें हम ज्यादातर कुकिंग करते हैं, वेजिटेबल ऑयल इज बेटर देन कैनोला ऑयल। आई डोंट नो बिकॉज मैंने बहुत से रिव्यूज पढ़े जिसमें कैनोला ऑयल की भी तारीफें दी हुई है। अच्छा, लेकिन फैक्ट इज ऑयल इन जनरल ज्यादा इज नॉट गुड। मैं यही कहने लगी थी कि यार जेड़ा भी इस्तेमाल करना है ना थोड़ा थोड़ा कम, हाँ बस थोड़ा सा कम। मैं तो पाकिस्तानी जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं या इंडियन, वो तो ऑलरेडी अच्छा काम ये कर रहे हैं कि सब्जी को ये अपना सरसों के तेल में आप बनाए, उसको थोड़ा देर ज्यादा पका के उसमें एक लहसुन की वो क्लोव डाल लें तो वो बड़ा पक जाता है और तैयार हो जाता है फॉर कुकिंग, उसमें डालें बैंगन सब्जी एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ। देसी घी भी यूज करें, देसी घी इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज रिकमेंडेड बाय मी। अच्छा, उसके बाद अगला भी मैं ही जवाब दे देती हूँ कि राबिया कहती है कि एक्सीलेंट ब्लॉग्स, प्लीज शेयर द बिल्स प्राइसेस एंड लव यू ऑल। तो आमना का तो ये है कि 10-10 दिन के बाद ग्रोसरी होती है जिसमें यार डेफिनेटली बिल आता है, $350 तक मतलब मैक्सिमम आ जाता है, जो कि हफ्ता 10 दिन की ग्रोसरी 350 मतलब 10-15 दिन की आएगी 350 बिल्कुल जनरल चीज, और डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल, कितने हैं घर में लोग, अगर आप एक रह रहे हैं कोई तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा खर्चा, अगर 5 लोग हैं तो उसका डिफरेंट होगा, एंड डिपेंड्स ऑन के आप क्या उठा रहे हैं उसमें, यू नो व्हाट्स योर प्रेफरेंस, लेकिन इन जनरल अगर हफ्ते की करें तो 150 इज द बेसलाइन, और यार आप लोगों ने प्राइसेस पूछे हैं, सॉरी मैंने प्राइसेस इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं ना ज्यादातर जो ले रही हूँ मैं लेती हूँ सेल पे,
एक्चुअल प्राइस से डिफरेंट प्राइस होती है, फिर मिसगाइड में कर दूं। हाँ। आप जाए लेने वो कुछ और ही प्राइस निकले। उसमें ये कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली जो चीज दिखा रहे हैं उसकी प्राइस बता दें उस वक्त। हाँ हाँ लेकिन आप इसको पाकिस्तानी रुपए से या इंडियन रुपए से कंसीडर वो नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते ना। आपने ऑर्डर किया था बता दे, 50 लगे थे, ऑलमोस्ट $50 $50 तो मतलब है कि अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपए में करें तो इससे कन्वर्ट हम जरूर फिर नहीं तो कन्वर्ट फिर नहीं आप ले सकते, टैक्स लगाए ऊपर तो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्राइस। वैसे मैं अपनी पाकिस्तानी बहनों को बता दूं कि यही वाली चीजें पाकिस्तान में चूंकि पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा महंगी है, ट्रिपल टैक्स, ट्रिपल लग्जरी आइटम्स है ना ये, हो गया जो हम फेस पे लगाते हैं और डाइसन हम लेने की कोशिश कर रहे थे वो उसकी प्राइस वाज इनसेन, चार गुना ज्यादा। तो मैंने कहा यार डायसन रहने तो मेरा अपना सनियास पार्लर जिंदाबाद है। अच्छा जी उसकी बात है, आयशा मिराज कहती है स्टॉप वॉचिंग योर व्लॉग्स व्हेन बल्लू इज नॉट इन द व्लॉग। चलो गुड फॉर बल्लू, गुड फॉर बल्लू। मैं आपको ये बताऊं कि जो भी जहां पर भी हम हो ना उनको अपना लिया करें। अब मैं अमना के पास हूँ, अपना ले। पहले आलिया की वजह से भी ये मुझे मैसेज आते थे कि हम तो आलिया या आसमा खाला की वजह से इंजॉय करते हैं। ये ना करें ना, जिंदगी में हर वक्त हर कोई हमारे साथ तो नहीं बैठा रह सकता। तो ये बेसिकली मेरे और बाबा के व्लॉग्स हैं, जो भी हमारे साथ हो ना, जो भी हो, हाँ। आप वो एंजॉय करें। yeah. और करते भी हैं, थैंक यू सो मच। और बल्लू वाली वीडियोस बार बार देखें। हाँ। ज़ायदा अदनान कहती है आमना प्लीज यू शुड अपलोड योर ओन व्लॉग्स, वी विल मिस यू अ लॉट व्हेन मामा बाबा विल गो बैक। मेरा चैनल है खान्स गलोर, अगर आपको नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर हम उसी में बहुत कह रही है इन योर ओन चैनल। अच्छा तो बस करूंगी इंशाल्लाह, वो बिजी हो गए थे लाइफ में, चीजें चलती रहती हैं कुछ, तो अब दोबारा स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह प्लान। अच्छा जी अब हरून रमजान के नाम से या तो उनकी वाइफ होंगी प्रोबेबली, वो कह रही है कि येलो बेरी ब्रांड से कुछ बाय करना हो तो तरीका बता दें। येलो बेरी का पेज है इंस्टाग्राम पे और उनकी वेबसाइट है, और उसके अगर आप उसके पेज पे जाएं येलो बेरी उनके पेज पे जाएं इंस्टाग्राम पे तो लिंक होगा, उसमें जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं जो मर्जी। और कोई शॉप है नहीं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। तो हारून रमजान के वो चैनल से जो भी पूछ रही है उनको ये पता होना चाहिए कि गूगल कर ले, गूगल आंटी है ना। अच्छा फिर इंडिया से मनजिंदर कौर कहती है मेरी बहन कि प्लीज शेयर विच ग्लॉस आमना इज अप्लाइंग, ये वो वाली बात कर रही है जो दो तीन दिन पहले मैंने और आमना ने बैठ के यहाँ पे मेकअप किया था, तो आमना ने एक रेड सा पता नहीं रेड पॉइंट था, नहीं वो था फेंटी का है, रुके मैं शेड उसके तीन शेड है उसमें से मैंने पता नहीं कौन सा लगाया हुआ था, फेंटी का ग्लो बॉम था एंड उसका शेड था अगला सवाल कर लेना मैं भूलती होती देर में। चलिए अगला सवाल जो है वो यार ये राजू ओबराय नाम है, ये भी मुझे लगता है कि इंडिया से होंगे, वो कह रही है जनाब ये बाबा के लिए है कि बाबा हैज पुट ऑन द वेट जब से वो अमेरिका आए हैं। आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, इनकी सीक्रेट क्या है प्लीज बताएं। बहुत दफा बता चुकी हूँ कोई सीक्रेट नहीं है, जेनेटिक है, कुछ भी नहीं करती मैं, जस्ट ईट गुड और न्यूट्रिएंट्स अपने पूरे रखें और हीट बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें और शैम्पू मैं कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं करती, इट्स जस्ट जेनेटिक। अच्छा जो ग्लॉस था वो फेंटी का ग्लॉस बॉम हीट वाला जो है वो वाला था, उसमें तीन शेड्स आते हैं उसमें से हीट वाला आई वाज वेयरिंग, ठीक है फेंटी का। अच्छा जी अब नादिया है, नादिया मियाँ, वो कहती है मामा प्लीज़ ये जो आप आमना का हैंडी ब्लेंडर यूज़ कर रही हैं फॉर अदरक एंड लहसुन, हाँ ये इट इज़ मेंट फॉर स्मूदीज एंड शेक्स, तो इसके अंदर स्पाइसीज को नहीं करना चाहिए, आप कोई और बाय कर लें। ज़रूरी नहीं है, उसके दो तीन आते हैं अलग अलग कंटेनर, उसमें से एक स्मूदी के लिए रखा हुआ है और एक मसालों के लिए रखा हुआ है, उससे डस नॉट मेक एनी डिफरेंस। गैजेट और अप्लायंसेज आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, उसमें वो ख़राब नहीं होगा। अच्छा सकीना कहती है कि सलाम स्टॉप यूजिंग एल्युमिनियम यूटेंसिल, दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओ ओके फाइन, आई लुक इनटू इट, आई हैव नो आईडिया।
अच्छा रुखसाना सदीकी ने कहा है कि जो दाल आपने बनाई है ना वो नेक्स्ट टाइम आप उसके अंदर गोश्त डालें तो मैंने भी देखा था एंड आई वाज लाइक हैं काली दाल में गोश्त दाल में कुछ भी डाल लो यार गोश्त किसी चीज में डाल सकता है वैसे बाबा वोंट लाइक इट एक और मैसेज आया था कि आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं जाते बता दो यार मामा सी यार हमारा वीजा ही नहीं लगा कनाडा काम में वीजा कोई नहीं देता था, तो हम आ जाते हैं तो कनाडा का अप्लाई किया हुआ है जैसे ही लगेगा सबसे पहली फ्लाइट में पकड़ूंगा मजे की बात है कि कनाडा के वीजे लगे में पहले हुए हमारे और हम गए हुए भी हैं लेकिन पता है कोई तरीका बता दे मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने जब लिखा हुआ लग जाएगा लिखी हुई चीजें होती है जब अल्लाह रुकेगा ना अल्लाह यस कर देंगे जरूर लग जाएगा इंशाल्लाह तो ये थे जनाब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा लोग बहुत प्यार करते हैं साद और आमना को और आप यकीन करें कि साद और आमना भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं बल्कि ज्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो आमना के खान गिलोर से ही इधर आए हैं और मेरा तो बहुत पहले का आना चाहिए और मैं मुझे भी याद आ गया कि वो जो वेट मेरा बढ़ा शायद वो मेरी ब्लोटेड सी सिचुएशन इसलिए क्योंकि आई एम नॉट डूइंग एक्सरसाइज यहाँ पर जितनी मैं पाकिस्तान में करता हूँ जो डेली रनिंग करता था उधर और साथ अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे साथ की और मुजीब की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है और बॉन्डिंग है और ये एक दूसरे को सजेस्ट करते रहते हैं और दूसरा मामा की कुकिंग बहुत अच्छी है तो खाने भी मैं खिलाई जा रही हूँ तो ये मिलजुल कर को थोड़ा सा मामला ऐसा हो गया पाकिस्तान वापस जाकर हम लोग रूटीन में अपनी जब आएंगे और एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो बाबा को दोबारा से फिट कर देंगे और उसके बाद कुछ दिनों के लिए आए हुए लाइक टू बड़ा मजा आया बड़े मजेदार लेकिन वेट गेन या सेहत ज्यादा अच्छी लगना इज अ गुड साइन एक ये भी था कि मामा का वेट लूज हुआ हुआ लग रहा है तो स्केल पे तो लूज नहीं हुआ स्केल बिल्कुल मेरा भी स्केल पे बढ़ा हुआ मैं इस चीज को और इलेबोरेट करती हूँ कि जो वेट गेन है ये इट्स अ साइन ऑफ गुड हेल्थ बट इन द लॉन्ग रन वेट गेन आपको बीमारियों की तरफ रखना चाहिए लेकिन आमना इज 100% राइट कि किसी को अगर भूख अच्छी लग रही है नींद अच्छी आ रही है और वजन अपने मतलब सही रह रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ वेरी गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस भूख ना लगना नींद ना आना वजन गिरना इज नॉट गुड बहुत सारा ख्याल रखिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और आमना के एग्जाम की कामयाबी के लिए सबने दिल से दुआ करनी है साथ के लिए भी साथ भी दे रहा अगले व्लॉग तक के लिए हम सब की तरफ से अल्लाह हाफिज़ ये जी खाने की फाइनल लुक है फाइनल लुक से पहले बाबा जो है उसको मुका चुके हैं वो मैं आपको उसमें दिखा देती हूँ साथ बनी पड़ी है लस्सी सो व्हाट इज योर क्या रिव्यू देंगे बहुत अच्छा अमेजिंग क्या ज्यादा अच्छा था करेले क्या ज्यादा अच्छा लगा कोरमा बहुत मजे का लेकिन करेले आर जस्ट अमेजिंग करेलों का कड़वाहट नहीं है ना हाँ चलो जी मैं भी थोड़ी देर में खाऊंगी मैंने पी लिया एक्चुअली चाय और गारत कर ली है अपनी भूख भूख